कंप्यूटर की सारी जनरेशन के बारे में लिखा हुआ है, 1 to 5 थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल में फिर हमें इंफॉर्मेशन वाले पेज पे ले जाएगा, जो है ऊपर ये वाला पेज, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड इमेज लगी हुई है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर फुटर है, इसमें सब्सक्राइब, न्यूज़लेटर के कई ग्रेडिव है जिसमें मुझे लिखा हुआ है, फिर क्विक लिंक्स है, नेविगेशन वाली सारी क्विक लिंक्स है इसमें, और कॉन्टेक्ट अस के बारे में लिखा हुआ है, इसमें ईमेल एड्रेस और ये सोशल आइकन्स लगे हुए हैं, कोई कॉपीराइट है। और इस साइड में स्क्रॉल बार जो है इसको भी हमने वेबकिट के थ्रू चेंज किया हुआ है, जिससे होम अगर की येलो हो जाती है। गैलरी का पेज है जिसमें सबसे पहले नेव बार आ गई, हेडर आ गया आपका, फिर गैलरी की ये, फिर गैलरी की इमेजेस होवर करने में बड़ी हो जाती है, तो इमेज ओपन हो जाएगी बड़ी करके हमें देखना है तो किसी भी इमेज पे क्लिक करें वो बड़ी हो जाती है। मॉडल लगाया हुआ है हमने यहाँ पे मॉडल, फिर वही सेम फोटो रही है। उसके बाद थर्ड पेज है इंफॉर्मेशन का, वही हेडर, फिर इंफॉर्मेशन, फिर ये एक सर्च बार हमने दिया हुआ है, या अभी डिफॉल्ट फर्स्ट जनरेशन के बारे में वो हमें लिखा हुआ दिखा रहा है, ये लिंक लगाया हुआ है। अगर हमें फुल डिटेल में फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ रहा है तो इसके लिए लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पर डिटेल। फिर अगर हमें सेकंड जनरेशन के बारे में देखते हैं तो सेकंड जनरेशन यहाँ क्लिक करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, सेकंड जनरेशन आ गई। यहाँ पे हमने जो है जावास्क्रिप्ट लगाई हुई है सर, और ये सेकंड जनरेशन जो ये है ये पूरा एक आई फ्रेम में लिखा हुआ है, हमने आई फ्रेम के बॉर्डर वगैरह हटाया है और बैकग्राउंड कलर जो है सेम किया हुआ है, तो जब ये एक ही वेबसाइट का पार्ट लग रहा है। ऐसे ही थर्ड जनरेशन सर्च किया, थर्ड जनरेशन के बारे में आ जाएगा, ये फिफ्थ जनरेशन सेम फुटर, फिर ये अबाउट अस है सर, ये वसीम बताएंगे इसके बारे में। वसीम यस सर, ये हमारा अबाउट अस है सर। अबाउट अस जैसा कि आप कहते हैं, अपने टीम मेंबर्स और जो हमारा होता है उसके बारे में हम बताते हैं, हमारा टीम और टीचर करना सब बता। जी सर, यस सर, हमने अपने पहले भी सर अपनी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स दी थी कि हमारा बाप हमारे काम पर, और उसके नीचे सर हमने अपने टीम मेंबर वर्क जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है सर, जैसा सीईओ देख नाम दिया हुआ सर, फ्रेंड्स में ये हम अभी इमेजेस सर लगा देंगे, ईमेल एड्रेस जैसे दिया होता है हमने सर ये दिया हुआ है, और सर ये हमने अलग डिप में दी हुई है, एक्सेल एंड जस्टिफाई करके सर एक ही जगह पर दिया हुआ, और लोकेशन सर हमने जैसे अभी अपनी यूनिवर्सिटी की दी हुई हम दे सकते हैं किसी भी डाल किसी भी जगह की। और इसके बाद सर कॉन्टेक्ट अस के नीचे आती है सर फॉर्म, यहाँ सर फॉर्म पे हुई भी है वैलिडेशन, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सर आपको सर आप यहाँ जरा देखिएगा, ये जैसे हम अगर क्लिक करें ना तो ईमेल पीछे चली जाती है सर, ये वैलिडेशन भी है, अदरवाइज ये पीछे नहीं जाएगी, आप अगर विदाउट इसको करेंगे तो ये सर वैलिडेशन हुई भी हमने लगी हुई है। सर आप इसका बॉर्डर देखेंगे, हमने ये 3D इफेक्ट डाला हुआ है जैसे सर आपको दिख रहा होगा, व्हाइट के ऊपर व्हाइट कलर ही, ये सर ये चीज, और नीचे करना नीचे फिर सर फुटर है, जी सर, और बस सर जो हमने पूरी कंप्लीट वेबसाइट करी हुई है ना, जितनी हमने लैंग्वेजेस यूज की है ये मजीद आपको सब अगला बताएंगे हमने क्या क्या यूज किया। जी सर, ये पूरी हमने HTML और सिर्फ CSS बनाई हुई, बूटस्ट्रैप हमने बिल्कुल भी यूज नहीं की हुई, ये पूरा हमने स्क्रैच से बनाया है, पूरा डिजाइन हमारा खुद का है, हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है, और जावास्क्रिप्ट है इसमें, बूटस्ट्रैप है और CSS है, ये तीनों चीजें हमने खुद लिखी हैं सारी। सर और बूटस्ट्रैप बिल्कुल भी नहीं यूज की जी जैसा सर, कि आपने बोला। ओके सर, थैंक यू। वसीम और मैंने, हम सिर्फ दो बंदे हैं ग्रुप में, हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर वेबसाइट बनाई है।
जी सैफुल्ला, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और वसीम कहाँ है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, ये सबसे पहले तो मेरा वही क्वेश्चन है कि वीडियोस कहाँ हैं? जी सर, वीडियो मैंने कहा था ना कि डालनी है हर हर मतलब जनरेशन के मुताबिक, कोई ना कोई छोटी वीडियो 2-4 मिनट की डालनी है। सर, नहीं डाली सर, वीडियो को तो याद नहीं रहा मैं अपलोड करने का, ऐड करने का। हालांकि मैंने उसके दौरान, क्लास के दौरान भी कुछ तरह किया था, इसीलिए मैंने उस वक्त एक एक चला के भी दिखाया था आप लोगों को ना कि देखें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और इसमें जब सर ऐड कर देंगे वीडियो, ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा चले, मसला नहीं है। जरा वसीम आप जरा इसको अपने पास शेयरिंग में लें और इसका कोड ओपन करें। यस सर, पहले हम ऑन कर लेते हैं 2 मिनट दिए, फिर हम शेयर करते हैं। अच्छा अभी आप ऑन करेंगे तो ये भाई और लोग जो है ना वो ऑन करके रखें, उसके बाद जो है वो इसको ऐसा ना हो कि आप ऑन करें। आप बताएं आपका जो है वो सिलसिला सफी, आप कौन है? आपने फिर म्यूट कर लिया। जब आप अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो उसको स्लो कर दिया करें, म्यूट नहीं करा करें, क्योंकि फिर आपके पास का ऑप्शन चले गए। जी आप इसके हवाले से जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से ना। अच्छा चलें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से हम लोगों ने भी पढ़ा था, मिड टर्म में भी आप लोगों को दिया था, सही है ना? तो वो जो आपके पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स नहीं, बेसिकली उसके अंदर जो है क्या डिफरेंसेस क्या थे सर? सारी जनरेशंस में एक मिनट वसीम, मैंने सबसे पूछा ना। जी बोले आप सर, क्वेश्चन रिपीट करें, आवाज थोड़ी कट रही। मैं बोल रहा हूँ ये जनरेशंस हैं, जनरेशंस के बिटवीन क्या डिफरेंस थे जिसकी वजह से हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गए? सर वो प्रोसेसर्स के डिफरेंस से, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, थर्ड में आईसीस थी, फिर फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर थे, फिर फिफ्थ अभी सर चल रही है एआई। नहीं तो आप बता रहे हैं कि एक तो ये वो टेक्नोलॉजीज की आप बात कर रहे हैं ना, प्रोसेसर तो पहले से फर्स्ट जनरेशन से प्रोसेसर ही है, लेकिन वो बनता किस चीज से था? वो वैक्यूम ट्यूब से बनता था, सही है। अब आप कह रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब से, थर्ड में आपने बताया प्रोसेसर, तो वो तो पहले से प्रोसेसर है। और जो है वो आपके पास जो आईसीज है, आईसीज ही अभी बढ़ रही है। हाँ उसमें ये जरूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर डाल दिए गए, लेकिन आईसीज तो वही है सेम आपके पास। अच्छा ये बताएं कि जो फर्स्ट जनरेशन की जो बेसिक लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी थी आपके पास? सॉरी सर, फर्स्ट जनरेशन की जो बेसिक्स लैंग्वेजेस थी ये आपके पास कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेजेस होती थी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वो कौन कौन सी थी? सर लैंग्वेजेस के बारे में तो नहीं पता सर, हालांकि ये हमने शुरू की क्लासेस के अंदर जब डिस्कस किया था, और आपका तो पूरा प्रोजेक्ट है, मैंने बोला था ना थोड़ा सा डेटा जब आप इकट्ठा करेंगे तो उसको भी जरा देखिएगा कि कौन कौन सा जो है वो डेटा आप लेके आ रहेंगे। अच्छा ये बताएं जो आपके पास इंटीग्रेट सर्किट है, सही है? इंटीग्रेट, हाँ ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया, या फर्स्ट टाइम जो प्रोसेसर आप बना आईसी यूज हुई, तो वो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताएं। देखिए मैं पूछूंगा वही जो हम लोगों ने खुद भी डिस्कस किया ना क्लास में, ऐसी बात नहीं है मैं आपसे कोई हट के पूछ रहा हूँ। या ICs की पूछ रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, हां वो फर्स्ट टाइम जो है वो कब यूज हुआ, या मतलब ये उसका फर्स्ट टाइम तो 1959-60 में हुआ था सर इंट्रोड्यूस। नहीं नहीं ये सेकंड जनरेशन थी, आपके पास टाइम दे रहे हैं पीरियड। अच्छा कौन सी कंपनी थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था सर? IBM? नहीं ये भी गलत है, एक मिनट ठहरा, आप म्यूट करें। जी वसीम मैं आपको जो है वो कर रहा हूँ अनम्यूट, आप बताएं अगर आपके माइक में प्रॉब्लम ना हो तो करें अनम्यूट करें। जी बोले। यस सर क्या बताएं?
ये फर्स्ट टाइम जो है आईसी यूज की थी प्रोसेसर के अंदर, वो किस कंपनी ने की थी? सर आवाज आपकी कट कट के आ रही है। आईसी जो यूज की थी फर्स्ट टाइम, सही है, तो वो किस कब की थी, किस ईयर में? जैसे उन्होंने ईयर बताया था अभी 60 वगैरह ईयर वगैरह टाइम पीरियड, ठीक है, हिस्ट्री अगर आपने इसके ऊपर मैनेज किया तो ये तो वो सिंपल सी बात है जो हम लोगों ने। सर कंप्यूटर रही है तो सर IBM 360 और 1965 में इसका यूज हुआ था पहली बार सर, सेकंड टू थर्ड जनरेशन बिटवीन। और सर 81 में भी सर वर्ल्ड वॉर के बाद सर जब कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई सर, इसका सर फिर तीसरी और चौथी जनरेशन में सर ज्यादा यूज होना शुरू हो गया। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। खैर ये जो है वो सिंपल सा आंसर है, वैसे ये लॉजिकल भी हो सकता है अगर आप सोचें तो। एक ही कंपनी जो प्रोसेसर शुरू से बना रही है उसका नाम इंटेल है, आप इंटेल बता सकते हैं थे, ठीक है। IBM तो कंप्यूटर बताते हैं, जब ये मैं पढ़ा रहा था तो ये भी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था, डिफरेंसेस बताए थे के कुछ कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है, कुछ जो प्रोसेसर बनाते हैं, और ईयर्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे। खैर हाँ नहीं, कोड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि आप अच्छा, आपने तो स्पेसिफिक बताया, आपने तो कुछ यूज ही नहीं करा बकौल आप लोगों के ना, आप लोग जो है वो सब कुछ खुद करा है ना, वो वाली आपकी थोड़ा सा काम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है वो अब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सही है, शेयर का, तो आपने जो है वो चला ले लें मशीन, आप ले लें शेयर, नहीं आप है कहाँ करा बस, सही है, ठीक है। मैंने अनम्यूट भी कर दिया आपको, अनम्यूट किया हुआ है मैंने आपको, अनम्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट तो करो ना। सर चल रहा है, चल रहा है सर, वेट, ये लैपटॉप थोड़ा टाइम लेता है। शो हो रही है आपको की आवाज, जिसकी वजह से ये सब कुछ ऑटोमेटिक आप शो हो रही है? ये तो आपने फॉन्ट्स वगैरह तो फिर वहां के लेके आए, टेक्स्ट CSS है। यस सर, ये फॉन्ट ऑसम सीडीएन जो हम इसकी लिंक लेते हैं ये है, और सर फिर ये सर सबसे पहले हम आपको इंडेक्स पेज दिखा रहे हैं फ्रंट वाले ये, और उसकी ये कोडिंग है, नीचे नीचे जा रहे हैं सर, हमने ये टैग्स तरह तरह की डिव यूज की हुई, और सर ये तो सिंपल सा हेडर के नीचे वाला कोई लॉरम एप्सम वाली जो बात कर रहे थे सर खुला जैसे वीडियो में, और सर फिर ये हमने इस डिव में फर्स्ट जनरेशन डिफाइन की हुई है नीचे, फिर सेकेंड हो गई यहाँ से, फिर अलग सर डिव के फिर पैराग्राफ सर, ये अलग अलग डिव में कन्वर्ट करके सर इनको CSS देके इस तरह किया गया, और सर हमने साथ साथ ये कमेंट आउट भी किया है कोड खूबसूरत लगे, और ये वाला पेज जैसे सेकुला ने बनाया, और फिर सर फूटर जो हमारा इतना बड़ा है ना, फूटर सर यहाँ से शुरू होता है, और ये रहा सर फूटर पे जो काम हुआ सारा हमारा, ये रहा नीचे ये। एक मिनट जरा इसको रन करना, प्रोग्राम को रन करो सर, प्रोग्राम रन कर, प्रोग्राम ये रहा। इसके अंदर आप ये क्या कह रहे हो कि ये जो आपने इसके ऊपर कोई, ये तो जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लगाई है और ये न्यूज़लेटर जो है वो आपने डिफाइन किया, तो इसके अंदर जो है वो जो खुद से वर्किंग आपने की हुई है, कोई एनिमेशन वगैरह की हुई है, तो वो शो करो सर।
सर ये न्यूज़लेटर में नहीं नहीं ऊपर 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 जो है आपके पास हेडर है, हेडर की तरफ कोई एनिमेशन वगैरह की भी जी क्या किया था? यस सर, सर बताते सैफुल्ला का माइक अनम्यूट है क्या? जी मैंने किया भाई, एक एक वक्त में एक ही बंदे से पूछूंगा ना मैं, बताएंगे सर बनाया वैसे उन्होंने ये वाला, इसलिए मैंने सोचा वो बताएंगे। नहीं आप बताएं ना, आप थोड़ा सा चेंज भी करें इसको, ये जो दिखाएं उसके एनिमेशन दिखाएं, एनिमेशन चेंज करें। एक सेकंड सर वो कोड क्या हुआ सर, वो अलग से CSS डिफाइन की हुई है, उसमें एनिमेशन लगी हुई है, उसमें हम जा रहे हैं। आपने ये चीज मतलब ये ज्यादातर इसका मतलब सेफ ने काम किया है ना, मैंने बोला था दोनों इक्वली काम करेंगे सर, दोनों ने ही काम किया हुआ है, वो सर दिखाने में लैपटॉप स्लो है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, पूरे सर पेज हमने बांटे हुए थे आधा आधा काम। अच्छा एक काम करो, इसके ऊपर जो आपके पास स्टार्ट पेज है ना, होम पेज, हेलो सर, होम पेज पे आना, जो रन हो रहा है होम पेज पे आओ, ठीक है, इस पे नीचे जरा जाना, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है ना, इसके बाद जो है दो टेक्स्ट बॉक्स डाल के, यूजर नेम और पासवर्ड के दो टेक्स्ट बॉक्स डाल के ना, एक यूजर नेम आप इनपुट करो और पासवर्ड इनपुट करो, और पासवर्ड जो चेक करो कि सही है या गलत है, सिर्फ एक ही दफा करना है कि सही है या गलत है। तो ABC जैसे फॉर एग्जांपल है, उसका पासवर्ड रख लो, तो ABC जैसी हो तो अगर हो तो वो ओके कर दे, नहीं हो तो फिर वो जो है कहते कि जी आप जो यूजर नहीं हो। तो ये सिंपल सा ऐप बना लो, इधर फर्स्ट जनरेशन के नीचे दो कॉम्बो बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स लगा के यूजर नेम और पासवर्ड, शेयर आपने क्या करा? असल में इतना है नहीं, वो कोडिंग वगैरह के हवाले से मैंने पहले ही कहा था, कोडिंग जो है उसका इतना टाइम होगा नहीं, अगर मैंने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आपके जो है वो कोड देखने शुरू कर दिए, इसलिए मैंने जनरल क्वेश्चन आंसर रखे थे, ठीक है। अच्छा ये सैफुल्ला आप जो है वो ये बता दें, चलो लास्ट के अंदर आपसे भी मैं पूछ सकता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। जी सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा इसके अंदर ये बताएंगे, ये मैंने कहा था रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, तो ये मल्टी प्रोसेसिंग क्या चीज होती है? मल्टी प्रोसेसिंग, ये जो मल्टी प्रोसेसिंग है ये क्या चीज होती है, ये जरा बता दें। मल्टी प्रोसेसिंग ऐसा लगा आपने भी रिकॉर्डिंग नहीं देखी, ऐसा लग रहा है जैसे पहली दफा जो है वो आपसे कहा जा रहा है। सर असाइनमेंट बनाया ही नहीं हमने अभी तक। असाइनमेंट किसने कहा था? ये तो आपका वही था, कोई असाइनमेंट तो नहीं दिया था, सिर्फ ये कहा था रिकॉर्डिंग देख के इसमें से मैं क्वेश्चन करूंगा, और वही है कंसिडर की कोड तो आपके पास सब लोगों का जो है वो सिंपल सा है, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास यही प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं कोड में जैसे अभी आपके सामने मैं वसीम के पास गया था, तो वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज करने में, ये करने में, वो करने में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, मुझे तो इसका एक्सपीरियंस है ना, और ये वो आउटपुट जो है वो भी कभी आता है नहीं आता है, कुछ लोगों को नहीं आता तो वो ट्राई करते रहते हैं। खैर अब जो है वो मैं दूसरे ग्रुप को दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा सा अपने जो डोमेन के हवाले से भी तो नॉलेज रखें ना, सिंपल सी नॉलेज है। दूसरे वीडियो मैंने कहे थे, वीडियो जो है वो कोई डाल के ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या पाबंदी लगा दी है PTA की तरफ से, पाबंदी क्या मसला है कि आप लोगों को जो है वो वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। अपने एक ग्रुप देखा जो है वो आपके पास एक एक जो है ग्रुप का टाइम चला गया, ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो है ना वो कोड पे जरा आप जाएं तो आपको पता ही नहीं चलता, वो 40 मिनट ऐसे निकलते हैं,
अच्छा जी, पहले ये ग्रुप हो गया था, दूसरा जो है वो नुमान साहब जो है वो कोशिश कर रहा कि आई है, सही है, वो ज़रा लेट ही आते, आज भी वो लेट ही हुए। खैर कोई बात नहीं, अब मैं जो हूँ वो अदर को दे रहा कंट्रोल, अदर हैंडल्स करें, ठीक है। अब ये इतनी जो है वो आपने बातें जो लिख रही है, अगर हैंडल्स करो, अच्छा मैं खुद हैंडल्स करूँगा, ये रहना अगर नुमान ने कर दिया, पहले अदर से कर लेते, ठीक है जी। अच्छा खैर अभी बात को हम लोग नहीं करेंगे, अभी आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर टू है ना, तो ग्रुप नंबर टू, हाँ ग्रुप नंबर टू पे जाएंगे। पहले तो खामोशी के साथ जो है रिकॉर्डिंग इसकी देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। रिकॉर्डिंग भी इसलिए रखी गई, अगर अभी आप लोग बता रहे होते तो एक ग्रुप भी नहीं खत्म हुआ, वो शेयरिंग के अंदर माइक ऑफ है, माइक ऑन है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करा दिया कि कम से कम इतना टाइम तो रहा। जल्दी का जल्दी का सेव। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मैं नेम इज मोहम्मद असर एंड माय टीम मेट इज मोहम्मद नुमान उवर्स। सर सबसे पहले सर हमने वेबसाइट बनाई है ड्रोन के बारे में, ड्रोन का लोगो दे दिया गया है एंड सर यहाँ पर नेटवर्क दी गई है, होम प्रोडक्ट अबाउट कॉन्टेक्ट अकाउंट एंड सर यहाँ पे ड्रोन की डिस्क्रिप्शन दी गई है और थ्योरी डिफाइन भी कर दी है सर, ड्रोन की पिक्चर यहाँ पे डिफाइन कर दी है। सर उसके बाद आते हैं फ्यूचर प्रोडक्ट, सर फ्यूचर प्रोडक्ट में सर यहाँ हमने होवर यूज किया है और सर सर ये ड्रोन के नेम वगैरह बता दिए गए हैं, रेटिंग बता दी गई कि इनको ड्रोन को कितनी रेटिंग दी गई है, सर एज प्राइस मेंशन कर दी गई है। सर इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट, बारे में बताया गया है और सर ये बटन यूज किया गया है बाय नाउ का बटन। इसके बाद आते हैं टेस्टिमोनियल सेक्शन, सर टेस्टिमोनियल सेक्शन में सर हमने अब्राहम करीम सर जिन्होंने ड्रोन बनाया है और जिन्होंने ड्रोन की कंपनी है डायरेक्टर हैं ड्रोन के, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन बता दी गई है। सर इसके बाद आते हैं लोगो, सर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है सर उनको उनके लोगो यहाँ डिफाइन कर दी गई। देन सर उसके बाद आती है फूटर, सर फूटर में यूजफुल लिंक्स एंड फॉलोअर्स फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब सर एक यहाँ पे डिफाइन किया गया है न्यू जनरेशन ड्रोन्स। सर न्यू जनरेशन ड्रोन में सर यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सर यहाँ पे उनकी अमाउंट एड टू कार्ट एंड सर यहाँ पे पिक्चर्स हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स देख सकते हैं हम यहाँ पर सर रिलेटेड प्रोडक्ट्स व्यू मोर देन सर अगेन फूटर। सो उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स, सर यहाँ पे हमारे साथ हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेटिंग सेल्स प्राइस देन सर यहाँ वन टू सर ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमने दे दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद एक और पेज आता है अबाउट, नुमान बताओ अबाउट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मोहम्मद नुमान उमर। सर अभी हम अबाउट अस की पेज पे आ गए सर, ये इस पे हमने सर अबाउट अस की हेडिंग दी हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है इसको सर, हमने इसकी थोड़ी थ्योरी डाली हुई डिस्क्रिप्शन में सर, इसके बाद हमने इसकी एक पिक्चर लगाई है स्लाइड पे। तो इसके बाद सर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सर हमने रीड मोर का बटन इन्होंने एक दिया हुआ है सर, और इसके साथ हमने तीन आइकन दिए हुए, एक दिया हुआ है फेसबुक का आइकन दिया हुआ है, एक ट्विटर का आइकन दिया हुआ है सर। इसके हमने वो थोड़ी सी उसकी नेविगेशन के लिए मतलब लुक के लिए सर हमने उसको डार्क मतलब उस पर लगाया हुआ है सर। थोड़ा सा नीचे आएंगे सर तो नीचे हमने वैसे फूटर लगाया हुआ है सेम टू सेम ऐप स्टोर के जरिए, गूगल स्टोर के जरिए, गूगल पे सर ये काम नहीं करेंगे बट सर हमने एक लुक के लिए वाइज दिया हुआ है सर। हमने इसके बाद एक लोगो लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी है सर, इसके लिए जो हमने यूजफुल लिंक्स है वो दिए गए हैं, उसके बाद फॉलोअर्स लिंक है जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब हो गया, और यूजफुल लिंक जो है इसके कौन ब्लॉग पोस्ट वगैरह रिटर्न पॉलिसी ये वगैरह हो गए सर। अब अभी हम दूसरे पेज पे जाएंगे जो हमारा जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है सर, इसके सबसे पहले हमने कॉन्टेक्ट अस का जो हेडिंग है वो लगाई है सर हमने, तो ये है असल में H2 सर। तो इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो इसी थ्योरी लगाई हुई है सर, इसके बाद हमने एड्रेस का ऑप्शन दिए हुए और उसके साथ हमने आइकन भी दिए हैं सर। तो
तीनों आइकन दिए हुए हैं, एड्रेस का भी दिया हुआ है सर, कॉल का भी दिया है, मेल का भी दिया हुआ है सर, कस्टमर इनको हमने लिंक दिया हुआ है जिसपे वो अपना फुल नेम लिख सकता है सर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे सर, हमने ईमेल का भी दिया हुआ है एक, वो ईमेल भी कर सकते हैं हमको और अपना वो आइडिया बता सकते। सर अभी हम अबाउट अस के पेज पे आ गए सर, तो जो मैंने आपको बताया जो आउटपुट में मैंने आपको दिखाया कि सर ये अबाउट अस पे जैसे हमने हेडर लगाया था, उसके बाद हमने एक इमेज भी लगाई थी उनकी, कार्ड एचटीएमएल वगैरह सब लगाया था सर, हमने हेडिंग भी डाली थी H3 के जरिए हमने हेडिंग डाली थी सर। तो उसके बाद सर ये कम्प्लीट कोडिंग है, तो इसके बाद सर हम कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे, तो कॉन्टेक्ट अस पे ये सर अबाउट अस की ये सारी कोडिंग है। अभी हम कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे सर, कॉन्टेक्ट अस में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कस्टमर सेंड मैसेज करेगा, वो हमने एक फॉर्म में रखा हुआ है सर, डिव के अंदर एक फॉर्म कंटेनर है सर, उसके अंदर हमने एक रखा हुआ है फॉर्म के अंदर, तो ये सर ये सारा हमने एक फॉर्म में रख दिया सर, ईमेल वगैरह जो मैसेज कस्टमर कर सकता है सारा, मतलब इसके जरिए हमने वो आउटपुट जो निकाला सर, इसके जरिए हमने निकाला। तो अभी सर आपको अजर बताएंगे और आगे डिजाइन की गई है कार्ड की प्राइस है, उनकी पिक्चर्स वगैरह सर, जो रिमूव का लिंक दिया गया है सर, अच्छा ये जो है ये ये बात है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एक को जो मैं अनम्यूट कर दूँ ताकि बीच में अगर किसी को कुछ बोलना हो वो अभी जरा मेरी कमेंट सुन लें, इसके ऊपर फिर आप जो सेंड करना चाहें ठीक है। तो ये ड्रोन है और जनरेशन है, उसके ऊपर जो आप कंप्लीट डिटेल बताएं। अब आपने जो है वो शॉपिंग साइट का मतलब ये बता दिया कि ऐड टू कार्ड और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, ड्रोन खरीदना चाहिए सर। हाँ तो वो अगेन ये चीज आ गई ना कि फिर ये एक ई कॉमर्स की साइट बन गई, मतलब जो इसका बेसिक पर्पस था वो ये यही हो गया कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोबाइल की साइट बना लो, उसमें डिफरेंट मोबाइल हो, वो मैं बता तो रहा हूँ कि ये है वो, तो उसकी फिगर पे भी लिखा होता है, उसके बाद वो सिलेक्शन आ जाए ऐड टू कार्ड वगैरह आ जाए, तो एक तो ये है। दूसरा वीडियो जो है वो इसके अंदर आपको ज़्यादा बेहतर ये था कि एक इंफॉर्मेटिव साइट, जैसे अभी तक एक डिज़ायर है मेरी कि इस किस्म की हो कि जिसके अंदर यूज़र को बहुत आसान तरीके से जो है ना वो समझ सके कि आपने मैक्सिमम क्या क्या उसको इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो ड्रोन से रिलेटेड हो और चाहे वो किसी और से रिलेटेड हो, तो ये जो फुलफिल नहीं कर पा रही है। हाँ ये इस लिहाज से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि अगर आप शॉपिंग या ई कॉमर्स और ड्रोन ई मार्केट तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। खैर कोई बात नहीं, अब आपने बनाया है आप दोबारा आते हैं तो फिर देखते हैं कि आपसे जो कौन से सवाल किए जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग से किए जा सकते हैं, कोई कोड दिया जा सकता है कि आप जो पूरा एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करके आते हैं। ये अभी वापस आएंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको कुछ साइन या फिर मे बी पॉसिबल के आपसे जो क्वेश्चन करूँ ठीक है। तो अभी सौ अभी बहुत सारे और अभी आगे चल के मैं थोड़ा कम टाइम में चलाऊँगा और फौरन जो क्वेश्चन कर लूँ ठीक है, ताकि हमारा टाइम